ये प्रोटेस्ट करना इतना जरूरी है क्योंकि ये बात हमारे कौम की लड़कियों के ऊपर आई है। कमजोर समझता है, जालिम समझता है कि स्टूडेंट कमजोर है, लेकिन हम उसे बताना चाहते हैं कि हम मजबूत हैं। ये हिजाब जो है हमारा राइट है, हमारा प्रोटेक्शन है। ये हिजाब, ये हमारी इज्जत, ये हमारी आबरू करता है। जिस तरह कितने 70 साल से ज्यादा पहले कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, अगर लिखना चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा जाता ना कि हिजाब करके कॉलेज में नहीं आना चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा गया। मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, लॉ पढ़ती हूँ। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या कहता है? क्या इक्वालिटी हो रही है? हुकूमत को शर्म आना चाहिए। क्या कर रही है हुकूमत हमारी? कहाँ है बम्बई साहब? जबान को ताला लगा के बैठे हैं। क्या हमें ही खोलना चाहिए ताला भी? लड़कियां कॉलेज के बाहर धरना दे रही हैं, किसी की जुबान तक नहीं खुल रही है। गुलबर्गा एक ऐसा वाहिद शहर है जहां हमेशा कभी भी अगर कोई किसी पूरे कर्नाटक में अगर जुल्म होता है तो सबसे पहले गुलबर्गा से आवाज उठाई जाती है। मैडम का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इंडिपेंडेंट होकर इस प्रोटेस्ट को मुनक्किद किया। हमने 3-4 बार अपने ऑर्गेनाइजेशन ईगल्स यूथ क्लब के तहत हमने 3-4 बार रैली के लिए परमिशन ली, लेकिन हमें नहीं दिया गया क्योंकि इन्हें डर है कि ये स्टूडेंट ही है जो इनको तोड़ सकता है। इज्जत-ए-नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं है। अब तो अपने ही निगहबान से डर लगता है। डंके की चोट पर जालिम को बुरा कहती हूँ, हमें सूली से और जंदानों से डर नहीं लगता है साहब। ये हिजाब, हम कयामत तक इस हिजाब को पहनते रहेंगे और हमारी माँ और बहनों इंशाल्लाह फ्यूचर में अगर आईएएस भी बनी, पार्लियामेंट में भी जाएंगी मैडम की तरह, तो हिजाब पहन कर जाएंगी। आज ये कनीज फातिमा है, आगे ऐसी हजार कनीज फातिमाओं को लेकर आगे ठहराएंगे हम। शुक्रिया। और याद रखिए, जब जब आप हमारे ऊपर जुल्म करेंगे, जितनी जोर से जितनी ताकत से करेंगे, उतनी ही दुगना ताकत से हम फिर उन पर वार करेंगे। क्या